उसका क्या भाव था, वो क्या उसकी किस्मत में कितना दुख लिखा हुआ था, उस दुख को कि में कैसी भी समस्या हो भगवान उसको काट देंगे। आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी को रोज जल चढ़ाते हैं? राहत उठाइए। बहुत बढ़िया, रख लो, वापिस रख लो, बहुत बढ़िया। हर हर महादेव, धन्यवाद बहुत बहुत। और आप तो चढ़ाओ साथ में अपनी अड़ोसन पड़ोसन और पीछे वाली धड़ोसन, इनको भी कहो कि एक लोटा पानी शिव को चढ़ाने में कुछ घटता नहीं है। वैसे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाया और अपनी जो मन की कामनाएं थी वो भगवान भोले को बताई। उसके बाद ऐसा चमत्कार हुआ कि उनकी जिंदगी ही बदल गई। तो आपको जो भी ऐसा इंसान मिले जो दुखी है, परेशान है या कुछ समस्या से घिरा हुआ है, तो आप उनको जानकारी दो कि एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना चालू कर दें। तीन दोष मिट जाते हैं, पहला वास्तु, दूसरा पित्र, तीसरा कालसर्प दोष। ये तीन दोष शंकर जी पर एक लोटा पानी चढ़ाने से मिट जाते हैं। पानी मंदिर का नहीं, पानी अपने घर का लेकर जाओ। मंदिर का अगर पानी लिया है एक लोटा, तो एक रुपया दान पेटी में चढ़ाओ।